सोशल मीडिया व्हाट्सएप के दौर में डाक टिकट्स की जरूरत भले ही कम हो गई हो, लेकिन उनका महत्व नहीं घटा है। हमारी राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान डाक टिकट्स के रूप में दर्ज है। आइए आज आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलाते हैं जो अपने डाक टिकट्स संग्रह के शौक के चलते राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके हैं। देवरिया शहर के न्यू कॉलोनी निवासी दवा व्यवसायी हिमांशु कुमार सिंह महात्मा गांधी से काफी प्रभावित हैं और बापू को अपना आदर्श मानते हैं। वो कहते हैं कि पूरा विश्व महात्मा गांधी से प्रभावित था और लगभग सभी देशों ने गांधी जी को विशेष सम्मान दिया। विश्व के अधिकांश देशों ने अपने सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज यानी डाक टिकट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को जगह दी है। ये भारत के गौरव का प्रमाण है। हिमांशु के पास राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर आधारित डाक टिकट्स का दुर्लभ संग्रह है। राष्ट्रपिता के प्रति उनकी श्रद्धा और डाक टिकट्स के संग्रह के शौक के चलते उनके पास महात्मा गांधी के जीवन चरित्र पर निकाले गए डाक टिकट्स की पूरी श्रृंखला है। यही नहीं, उन्हें सिक्कों, पीतल के एंटीक चीजों, विभिन्न भाषाओं में विशेष अंक के अखबारों के संग्रह का भी शौक है। हिमांशु सिंह का पूरा घर किसी मिनी संग्रहालय सरीखा है, जिसमें उन्होंने भारतीय संस्कृति, उसके नायकों और राष्ट्र की ऐतिहासिक पहचान और धरोहरों को संजो रखा है। द लोकतंत्र से बातचीत के दौरान हिमांशु ने न सिर्फ अपना दुर्लभ कलेक्शन दिखाया बल्कि उससे जुड़ी कई रोचक जानकारियां भी साझा की। मेरा नाम हिमांशु कुमार सिंह, न्यू कॉलोनी देवरिया निवासी हूँ और बचपन से मेरा गांधी जी के ऊपर जो है डाक टिकट को संग्रह करने का मेरा शौक जो है मेरे दिमाग में आया और ये कब जनून में बदल गया कि गांधी जी से रिलेटेड हर एक चीज़ें जो गांधी जी के ऊपर भी जारी की जाती थी, विशेष करके गांधी जी के ऊपर जारी डाक टिकटों का संग्रह, गांधी जी के ऊपर जारी डाक टिकट, स्पेशल कवर, फर्जी आवरण और विभिन्न मुद्राएं जो देशों के द्वारा, अन्य देशों के द्वारा जारी की गई थी, वो मेरे संग्रह में मौजूद है। आप देख सकते हैं कि गांधी जी के ऊपर जो है विभिन्न देशों ने, ये गर्व का विषय है कि भारत में गांधी जी पैदा हुए थे और 180 से ज़्यादा देशों ने गांधी जी के ऊपर डाक टिकट जारी किया। आज गांधी जी के सिद्धांत, गांधी जी की नीति पूरे देश में, पूरे विश्व में जो है माने संग्रह है। ये गांधी जी के ऊपर मैंने डाक टिकटों का एक संग्रह इकट्ठा किया और इसको बचपन से आज करते करते मैं एक बहुत बड़ा संग्रह मेरे उसमें इकट्ठा हो गया। गांधी जी से किस स्कूल में पढ़े, गांधी जी की कब शादी हुई थी, गांधी जी के संबंध में जो भी आंदोलन हुए थे, वो गांधी जी की जो नीति थी, जो सत्य अहिंसा की नीति थी, गांधी जी ने आश्रम की स्थापना कब की थी, ये सारा जो है आप इस डाक टिकटों की दुनिया में आप देख सकते हैं। और जब हम गांधी जी की 150वीं जयंती मना रहे थे तब जो है 180 के आसपास करीब देशों ने जो है डाक टिकट उनके ऊपर जारी किया, वो भी मेरे संग्रह में एक अलग ढंग से मेरे पास उपस्थित है। और विश्व के लगभग हर देशों ने जो है गांधी जी के ऊपर डाक टिकट जारी किया हुआ, तो इस चीज़ का हमें बहुत नाज है कि गांधी जी, कोई विश्वास नहीं कर सकता है कि 150 साल पहले एक व्यक्ति हिंदुस्तान में पैदा हुआ था वो जो है। फिर आप देख सकते हैं कि गांधी जी के ऊपर जारी जो विभिन्न मुद्राएं हैं, जो विशेष अवसरों पर भारत सरकार ने टकसाल में जारी किया, वो चांदी के हैं, वो मेरे संग्रह में उपस्थित है। खासकर क्विट इंडिया मूवमेंट, गांधी जी की जब 150वीं जयंती मना रहे थे तब ये जो है हमारे संग्रह में उपस्थित है। फिर गांधी जी के विभिन्न आप देख सकते हैं कि गांधी जी की जो है मूर्तियाँ, छोटी बड़ी मिलाकर के लगभग 100 से अधिक मूर्तियाँ, गांधी जी के ऊपर जारी जो है मैच बॉक्स, एक डाक टिकट मैच बॉक्स जो है स्पेशल तरीके से जारी किया गया था, वो भी जो है हमारे संग्रह में है। और फिर जो है इस ढंग की घड़ी गांधी जी प्रयोग करते थे, ये भी एक कबर के रूप में यहाँ उपस्थित है। मैग्नेट बॉक्स कार के ऊपर जारी, ये भी जो है मेरे संग्रह में है, ये काफी बहुमूल्य है। गांधी जी के ऊपर जारी एक विशेष टोकन है जो आप देख सकते हैं लकड़ी के, उसमें हार्ड बाउंड में है और ये जो है उनके साथ एक इसकी छोटी सी पुस्तिका भी उपस्थित है। फिर ये एक विशेष पत्थर पे गांधी जी का प्रिंटेड पोस्ट कार्ड है, गांधी जी का ताम्र पत्र पे जारी जो है विशेष डाक टिकट। गांधी जी ने जब पहली बार जो है लाठी कब उठाई थी गोरघाट के मुंगेर में, जब गांधी जी ने पहला अपना वो किया था। और फिर ब्लैक एंड वाइट गांधी जी के कुछ विशेष फोटो जो रोटरी कंपनी लंदन के द्वारा प्रिंटेड है, वो गांधी जी के ऊपर जो है जारी है। ये तस्वीरों में देख सकते हैं ब्लैक एंड वाइट है
और ये गांधी जी की जो है दुर्लभ जो है उनकी भावभंगी मंगा, उनके हर एक जीवन की हर एक एक्टिविटीज आपको इन चित्रों में देखने को मिलेंगे। वैसे तो संग्रह ये अपने आप एक बहुत बड़ा जुनून है, एक किंग ऑफ हॉबीज, हॉबीज ऑफ किंग फ्लैटली को कहा गया है। उसी प्रकार के अन्य शौक भी जो है मैंने बचपन से अपना शुरू किया था, गांधी जी को तो केंद्रित किया ही किया, रेड क्रॉस, रोटरी इंटरनेशनल, और जो है कोविड पे मैंने भी अपने डाक टिकट के संग्रह को बनाया। दूसरी तरफ विभिन्न मुद्राएं जो आज अब प्रचलन में नहीं है, जो प्रचलित में नहीं है, उन मुद्राओं को भी मैंने सहेजने का काम किया कि आने वाली पीढ़ी जो है उसको देख सके कि हमारी थाती कितनी कितनी समृद्ध थी। उन नोटों का संग्रह, जब चांदी के सिक्के चला करते थे, जब सोने के सिक्के चला करते थे, वो भी मेरे पास उपस्थित है। वो नोट जो आज प्रचलन से बाहर हो गए वो भी हमारे पास है, और पीतल की विभिन्न सरौते और ओपनर, पुराने पुराने ताले, इन चीज़ों को जो कि कबाड़ में फेंक दिया जाता है, उन चीज़ों को मैंने संग्रह करके अपने संग्रहालय की एक वस्तु बनाया, क्योंकि आने वाली पीढ़ी कभी देख सकती है कि शेर, सवा शेर और टिकट, मुद्राएं, नोट, ये भी हमारे देश में चला करते थे। देखिए, संग्रह करना एक जुनून ही है, तभी हम संग्रह कर पाते हैं, क्योंकि संग्रह करने में जिन चीज़ों के पीछे जो चीज़ें हमें चाहती हैं हमारे कलेक्शन के लिए, उनको खरीदने के लिए हमें अच्छा खासा एक पैसे की जरूरत पड़ती है, तो एक अपने हम आमदनी का एक अच्छा खासा खर्च जो है मैं अपने संग्रह में लगा सकता हूँ। क्योंकि हो सकता है कि गांधी जी से जुड़ी कोई चीज़ जो है बहुत महंगी भी बिकती है, तो उनको खरीदने के लिए मुझे कभी कभार जो है अपने परिवार का सहयोग तो मिलता ही मिलता है, लेकिन कभी कभी ये आड़े आता है कि ये पैसा रहते हुए भी, नहीं रहते हुए भी, मैं इस चीज़ को नहीं खरीद पाता हूँ। लेकिन फिर भी मेरा प्रयास आता है कि मैं उस संग्रह को अपने संग्रहालय के विषय वस्तु बनाऊँ। और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं करके भारत के विभिन्न प्रांतों में जाता हूँ, वहाँ जा करके उन चीज़ों को देखता हूँ, जिन चीज़ों का मन दूसरे चीज़ों में रहता है, मेरा सामान उन एंटीक चीज़ों को खोजने में लगा रहता है। कभी कभार कबाड़ के दुकान में भी मुझे कुछ अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, और कभी बड़े बड़े शोरूम में मुझे कुछ अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। कभी कभार कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें एक जगह मिल जाती हैं जहाँ उम्मीद नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही मैं ओरछा पैलेस के पास घूम रहा था, तो एक कबाड़ की दुकान के पास ये गांधी जी की अद्भुत प्रतिमा मुझे देखने को मिली। उसके कल्पना में गांधी जी किस ढंग से आए थे, उसने गांधी जी को इस ढंग से बनाया, तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने गांधी जी को उठा लिया। तो कभी कभार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको प्राप्त करने के लिए हमें बहुत पापड़ बेलना पड़ता है, हमें बहुत आर्थिक उसमें ज़रूरत पड़ती है, और वहाँ मुझे परिवार का सहयोग मिलता हुआ है। कभी कभार ऐसा भी लगता है कि जब उस चीज़ को मंगाने के लिए उस अगले के अकाउंट में पैसा डालते हैं तो मुझे बहुत अंदेशा रहता है कि क्या पता वो मुझे वो सामान भेजेगा कि नहीं भेजेगा। लेकिन एक विश्वास, एक जुनून के हद तक हम जा करके उस चीज़ों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। कभी कभार काफ़ी दूर तक जिन अन्य प्रांतों में जाता हूँ तो वहाँ के पोस्ट ऑफिस में मैं जरूर जाने का प्रयास करता हूँ। जैसे हिमाचल प्रदेश में जब मैं गया तो भारत का सबसे ऊंचा डाकघर हिक्किम, वहाँ भी मैं गया, और सबसे दूर जहाँ रिमोट एरिया में जहाँ सिर्फ दो लोग हैं वहाँ भी एक पोस्ट ऑफिस मौजूद है, तो वहाँ भी मैं गया और इन चीज़ों को प्राप्त करना पड़ता। तो डाकघर के द्वारा जब विभिन्न प्रदर्शनियाँ आयोजित की जाती हैं उसमें भी मैं भाग लेता हूँ, और ये लगभग 25 साल से मेरा जुनून चल रहा हुआ है। अब तक मैं यूपी का सबसे बड़ा ट्रॉफी, गवर्नर ट्रॉफी भी प्राप्त कर चुका हूँ, गोल्ड मेडल भी प्राप्त कर चुका हूँ। बॉम्बे में 3-3 बार मैंने एग्जीबिशन को लगा चुका है, बाली में लगा चुका है, और अभी हाल में प्रगति मैदान नई दिल्ली में अमृत पेक्स लगाया था, वहाँ भी मुझे 2 मेडल प्राप्त हुआ। तो ये एक जुनून जो है, मैं डाकघर को धन्यवाद देता हूँ, और क्यों ऐसी वस्तुएं निकालते हैं और ऐसी चीज़ों, क्योंकि डाक टिकट एक क्या होता है कि एक छोटा सा नन्हा सा राजदूत होता है। किसी भी देश की संस्कृति के बारे में आपको जानना हो तो उस देश के डाक टिकट को उठा के आप देख लीजिए, उस देश का इतिहास, उस देश का विकास, उस देश की संस्कृति, उस देश की परंपरा के बारे में यदि आपको कहीं देखना हो तो डाक टिकट में आपको दिखाई देगा। इसीलिए डाक टिकट को कहा जाता है कि एक नन्हा राजदूत है, और मैं मानता हूँ कि ज्ञान का सबसे बड़ा खजाना यदि कहीं है तो डाक टिकट में उपलब्ध है। हिमांशु सिंह द्वारा संग्रहित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के डाक टिकट्स के माध्यम से बापू की पूरी जीवन यात्रा को समझा जा सकता है। हिमांशु कुमार सिंह के पास डाक टिकट्स के अलावा गांधी जी की कई दुर्लभ प्रतिमाएं भी हैं, जो अलग अलग आकार और रूप रंग की हैं। हिमांशु का यह संग्रह भारतीय इतिहास के महानायक रहे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन का दस्तावेजीकरण है, जो सभी के लिए अनुकरणीय है।